उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। उड़ीसा रो भाषा स्वाभिमान और गौरव ने प्रधानमंत्री का बड़ बयान, संकट रे उड़ीसा रो अस्मिता, विपद रे ओडिया भाषा। मोदी कहले बेसी दिन बर्दाश्त करिबेनी उड़ीसा रो जनता। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। उड़ीसा रो दुस्थिति नहीं पीएम को चिंता, राज्य अवस्था खराब कर रखी बीजेडी सरकार, एत संबल अच्छी देशर सबुठ धनी राज्य हो पारि था उड़ीसा। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था। उड़ीसा रे निर्वाचनी माहौल सरगरम भितरे आक्रामक मूड रे प्रधानमंत्री, जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार रे उड़ीसार भाषा स्वाभिमान और गौरव नहीं बड़ बयान देखते नरेन्द्र मोदी, कहते उड़ीसार पूरा अस्मिता खत्म हो, संकट रे अच्छी उड़ीसार अस्मिता, विपद रे पड़ुछी ओडिया भाषा, एहाकु आउ बेसी दिन सहिबे नाही ओडिसावासी। उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। उड़ीसार आर्थिक दुस्थिति, राज्य रे दुर्नीति और भ्रष्टाचार प्रसंग रे भी बड़ कथा कहते प्रधानमंत्री, प्राकृतिक संपद रे भरपूर ओडिशा, एठी एते संबल अच्छी, ओडिशा होई परिथंता देशर सबुठु धनी राज्य, किंतु ओडिशार स्थिति केमिति ताहा समस्तंकु जणा, राज्यर अवस्था खराब करि रखिछि बीजेडी सरकार। इतने संसाधन है जी, आज ओडिशा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। ओडिशार साधारण जनतांक भितरे भरी रहिछि आशा और आकांक्षा, एहा पूर्ण हेबा दरकार, ओडिशावासींकर सेवा करिबाकु बीजेपी को मिलिबा दरकार सुजोग, राज्यरे बीजेपी सरकार हेले ओडिशा शीर्षरे पहुँचिबो बोली कहिछन्ते पीएम मोदी। तो अब ओडिशा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, हम ओडिशा को कहाँ से कहाँ पहुँचा के देंगे। किसी दिन पूर्व चर्चा को आसीथिबा बीजेपी बीजेडी मेंट प्रसंग रे भी कहिछन्ते प्रधानमंत्री मोदी, स्पष्ट करिछन्ते बीजेडी सह बीजेपी रो कोनोसी संपर्क नाही, प्रसंग भितरे केन्द्र को समर्थन देछि बिजू जनता दल, केवल बीजेडी नुहे अन्य बहु दल भी एमिति करन्ते। भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है, बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी, और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। प्रधानमंत्री को ए बयान को स्वागत करछन्ति केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहछन्ति ओडिसा रे चारि पर्याय निर्वाचन पाई एजेंडा सेट करछन्ति प्रधानमंत्री मोदी, ओडिसा रे निश्चय सरकार गढ़िबो भारतीय जनता पार्टी और लोकसभार समस्त 21 रु 21 सीट जितिबो बीजेपी। गोटे टीवी इंटरव्यू रे ओडिसा रो एजेंडा सेट करले, ओडिसा रे आगामी निर्वाचन जो हम चारि फेज निर्वाचन हम लोकसभा और विधानसभा पाई, विशेष करके ओडिसा रो विधानसभा पाई, माननीय प्रधानमंत्री ओडिया ओडिशार नागरिक मानको भोटर भाई भोनी मानको तंग इंटरव्यू माध्यम रे निवेदन कले जो ओडिशा को आमको थरे सेवा करिवार अवसर दिया जाउ, अपार संभावना राज्य ओडिशा को देशर एक नंबर राज्य भावे गढ़ी तोलिवार आज योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पाखरे अछि। व्यक्तिगत भावे बहुत कृतज्ञ माननीय प्रधानमंत्री को पाखरे से ओडिशा संपर्क रे गोटे दृष्टि तैयारी करले जहाद्वारा कि आम ओडिशार लोकों मन भितर जो मोदीजी प्रति श्रद्धा अच्छी विश्वास अच्छी सेटा एथर भोट्रे परिणत होवार पूरा लक्षण देखा जाउछि। एथर ओडिशारे प्रथम थर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार हबो, ओडिशारे 21 रु 21 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जितिब, प्रधानमंत्री यार नेतृत्व नेबे, ये अभियान प्रधानमंत्री नेतृत्व नेबा पाइं ओडिशा आसिबे, तांकु स्वागत जनाउछि, तांकु धन्यवाद दउछि। एथर निर्वाचन रे ओडिया अस्मिता को मुख्य प्रसंग करिछि राज्य बीजेपी, बीजेडी शासन रे संकट रे पड़िछि ओडिशार भाषा सीमा और संस्कृति, बाजिरे लागिछि ओडिया अस्मिता, एहा ही 24 वर्ष धरि शासन गादी रे बसिथिबा बिजु जनता दल पई होइ पारे का, राज्य बीजेपी सभापति कहिछन्ति एथर निश्चय सरकार गढ़िबो तांको दल। निश्चित भावरे आज आमे ता सुरक्षा पई निर्वाचन हबो, सेई प्रसंग नै निर्वाचन आज जो विषय चिंता प्रकट करछन प्रधानमंत्री उचित उचित कथा कहिछन,
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବିଜେପିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ସରକାରକୁ ଆଣିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।